जोहार आप सबको। देखिए, जैसे सीजीएल का जो एग्ज़ाम है और कई एग्ज़ाम जेएसएससी ने अभी तुरंत अभी अभी जारी किया है, और टीजीटी सीजेक जो सोनी कुमारी के द्वारा फाइल कंडेम था सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्या अपडेट हुआ? इन विषय दो विषयों पर जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप जेएसएससी और एसएससी से संबंधित, झारखंड एसएससी से संबंधित बहुत सारे एग्ज़ाम का तैयारी में लगे हैं, तो देखिए आप झारखंड सचिवालय स्वरलिपि प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच आयोजित होना है, और जो पीजीटी का एग्जाम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, देखिए इसका 21 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक विभिन्न तिथियों में आयोजित किया जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा जो सीजीएल के लिए इंतजार में है, स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, तो देखिए जनवरी महीने में 21, 22, 28, 29 को आयोजित किया जाएगा। इसी तरह से नगर पालिका संवर का 5 फरवरी को, और जो तकनीकी सेवा विशिष्ट योग्यताधारी का, इसका 22 फरवरी। तो समझिए कि नया साल 2023 शुरू होगा, एग्ज़ाम का एकदम बौछार शुरू हो जाएगा। यूं कहिए कि दिसंबर से ही, अगले महीने से तो तैयार हो जाइए। और इस बीच में ये मान के रखिए कि रमेश हंसदा का केस, जो स्थानीय नियोजन नीति से संबंधित मामला है, इसका भी जजमेंट अब जल्द ही आने वाला है, फैसला जल्द ही आने वाला है, तो इसका भी समाधान तब तक हो जाएगा। तो आप तैयारी में लगे रहिए, अब कोई ऐसा विवाद इसमें बचने वाला नहीं है। देखिए, टीजीटी का मामला में आज 14/11 को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनिश्चित था, और इस जो सोनी कुमारी की ओर से दाखिल मामला था उसमें आज सुनवाई हुआ। अदालत ने आदेश दिया कि झारखंड सरकार को सबसे पहले नोटिस दे दिया कि आप अपना जवाब दीजिए। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सबसे पहला मामला ये होता है कि सबसे पहले नोटिस जारी करिए, उनसे पूछिए जवाब, कारण परीक्षा करिए कि आप क्यों नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तब तक स्टेटस को सेल्वे मेंटेन, या मतलब यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया कि जो नियुक्त हुए वो नियुक्त हो गए, मतलब जो नियुक्ति जिनकी हो चुकी है, जिन टीजीटी का, उनका नियुक्ति बरकरार रहा, जिनका होना, मतलब अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब स्टेट गवर्नमेंट जवाब देगा, उसके बाद आगे तय होगा। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, आगे राज्य सरकार से जवाब मांगेगा, राज्य सरकार बोलेगा कि जो कट ऑफ बताया गया था कि मिनिमम कट ऑफ, उसके हिसाब से सीटों की संख्या, आप देखिए नंबर ऑफ वैकेंट सीट पर आके मामला रुक जाएगा। जो इंटरप्रिटेशन ऑफ जजमेंट, जो जजमेंट पारित हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बस सारा खेल उसी भी दारोमदार उसी पे आ जाएगा कि सीटें वैकेंट करीब करीब मोर देन 10,000 बचा था, और सीटों की संख्या सिर्फ 10,000 ही बचे थे, 10,000 के आसपास से अराउंड अबाउट। और वैकेंसी अगर सबसे जो मिनिमम कट ऑफ हम लेते हैं लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का, तो उसके हिसाब से उतनी सीटें नहीं बची थी। तो उतनी सीटें अगर नहीं बची थी तो हम मिनिमम कट ऑफ पे कैसे बनाते, इसलिए हमने स्टेट मेरिट लिस्ट बनाया। स्टेट गवर्नमेंट लाइक दिस इस तरह का जवाब दे सकता है, अपना ये कारण बता सकता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो आर्टिकल जैसे 142 का प्रयोग करके लोगों का नौकरी बचाया, उस तरह से जो ना नियुक्त हुए उनकी भी बचा सकती है। लेकिन अभी संभावना समस्या ये खड़ी हो रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सीटें देने के लिए तैयार हो, फिर बहुत लोगों का ये भी मानना है कि अगर सीटें अभी के सीट में एडजस्ट किया जाएगा पुरानी वैकेंसी के सीट को, तो नए लोग क्या करेंगे, ये भी एक सवाल है। बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा होना है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।